नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, यह इसकी तिथि घोषित हो गई है कि कब आपका यहां पर मेडिकल होने वाला है, तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आप अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जो मेडिकल टेस्ट है यह आपका कब और कहां होना है। दोस्तों, आपके लिए यह जो नोटिस सूचना जारी की थी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। दोस्तों, यह 2 जनवरी 2019 को अपलोड की गई थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये है कि जो कि जिनका फिजिकल यहाँ पर रह गया था उनका फिजिकल की डेट इस पर दी गई थी 6 और 7 जनवरी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो यहाँ पर डेट दी गई थी फिजिकल रनिंग के लिए 6 और 7 जनवरी 2019। दोस्तों, जिनका भी मेडिकल यहाँ पर रह गया है उनका मेडिकल इनके साथ ही यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। यानी कि दोस्तों, जो पहले से मेडिकल के लिए तैयार बैठे हैं और जो यहाँ पर रनिंग के 6 और 7 जनवरी को यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं मेडिकल के लिए, तो दोस्तों इन दोनों जनों को मतलब मिला के एक साथ मेडिकल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल यह मान के चलिएगा दोस्तों कि 6 जनवरी और 7 जनवरी को जो रनिंग होने वाली है तो उसके तुरंत बाद ही आपको लगभग 10 तारीख तक आपका मेडिकल जो है वह हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 और 7 तारीख के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह क्वालिफाई होंगे रनिंग में, उनका भी मेडिकल होगा, तो आप सभी का एक साथ मेडिकल होना होगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि दोस्तों 6 और 7 तारीख डेट और बची है जिन्हें रनिंग होनी है, इसके बाद कोई भी रनिंग नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 6 और 7 तारीख के रनिंग होने के बाद आपका मेडिकल के डेट फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों, कम लगभग यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 तारीख के बीच जो है भाई आपका मेडिकल कम्प्लीट हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी रह गए हैं सभी का यहाँ पर मेडिकल जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट डलेगी, या मेरिट लिस्ट डलने के बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी या फिर कहे के लिए ट्रेनिंग के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।